एक्सेलेटर को हटा चुके हैं यार, काफ़ी डर लग रहा है भाई अब। और तो इसको हम नीचे करेंगे और एक्सेलेटर को पूरा बढ़ा देंगे और इसके साथ उड़ जाएंगे हम, जैसे कि हमारे व्यूअर्स कहा करते थे कमेंट सेक्शन में। और तो ये लोग कमाल के एपिसोड में आप सभी का वेलकम है। तो आज आगे एंजॉय करने वाले हैं एरोप्लेन की सवारी, तो करते हैं आप वीडियो को स्टार्ट। है यार मेरे फंटर, तो आज मैं और मेरे भैया जैक करने वाले हैं एरोप्लेन की सवारी, है ना भाई हम। ओए तो मेरे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एरोप्लेन की सवारी, एकदम मस्त करके वहीं करके उड़ा देंगे। है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट एरोप्लेन लेने के लिए, एकदम ढेंचक वाली, और वो ऐसी वैसी एरोप्लेन नहीं, सबसे बड़ी वाली एरोप्लेन लेने वाले हैं आज हम। ओए सबसे बड़ी होगी वो एरोप्लेन, एकदम ढेंचक करके सभी को उधर बैठा के उड़ा देंगे। तो ये है हमारी नई अपडेट, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, है तो एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं, इधर से सीधा हमें इधर अंदर घुसना है यार, इधर रोड के सहारे में एकदम ढेंग चक करके यार, जैसे कि मैं घुस रहा हूँ अभी। तो इधर से हम पहले एक एरोप्लेन की नज़ारा देखने को मिला, पर ये काफ़ी छोटा एरोप्लेन है दोस्तों, हम इसको नहीं चलाने वाले, हम चलाने वाले हैं सबसे बड़ी वाली एरोप्लेन को, है ना भैया। ओए बिल्कुल सही वाला। ओए तो दोस्तों हम जा रहे हैं सबसे बड़ी वाले एरोप्लेन लेने को, तो देखते हैं सबसे बड़ी वाले एरोप्लेन लेने को जा रहे हैं हम एकदम नहीं चेक करके। है तो फंटरो इधर देखिए, इधर साइड पे यार हेलीकॉप्टर्स भी है, हेलीकॉप्टर्स भी उड़ाएंगे कुछ ही देर में यार, अभी तो नहीं उड़ाएंगे, अभी तो एरोप्लेन उड़ाने का दिल कर रहा है, यानी कि एकदम बड़ा वाला एरोप्लेन यार। ओए तो किधर है वो एरोप्लेन, है भैया आगे चलते रहिए ना, मिल जाएगा एरोप्लेन, देखिए आगे यार। ओए तो दोस्तों आगे देखिए, इतना बड़ा एरोप्लेन हमारे आगे सामने है, तो हम आज इसी एरोप्लेन को उड़ाने वाले हैं। तो ये एरोप्लेन है भैया, ये क्या कर दिया आपने यार, अच्छे से चलाना है ना। ओए गलती से हो गए, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ओए तो पंटर लोग हम इधर तक आ चुके हैं, इधर देख सकते हो आप दो दो प्लेन, अब इस प्लेन को हम उड़ाने वाले हैं जो कि सबसे बड़ा है, हमारे से तो हजार गुना बड़ा है, यानी कि into 100 है, तो इसको ही चलाएंगे ना भैया। आपको चलानी तो आती है ना, ओए मुझको चलानी सब कुछ आती है, पर अच्छे से नहीं आती, पर कोशिश करेंगे। है भैया तो हम भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम बैठ चुके हैं एरोप्लेन के अंदर, एकदम नहीं चेक करके इसको कैसे उड़ाते हैं यार, सीधा इधर लैंड पे ये रोड पे ले जाना है क्या, एरोप्लेन वाली रोड पे। तो हमने एक्सेलेटर को हटा चुके हैं यार, काफ़ी डर लग रहा है भैया अब। ओए तो इसको हम नीचे करेंगे और एक्सेलेटर को पूरा बढ़ा देंगे और इसके साथ उड़ जाएंगे हम, जैसे कि हमारे व्यूअर्स कहा करते थे कमेंट सेक्शन में। ओए तो दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, और वीडियो डालेंगे जल्दी जल्दी। ओए तो एरोप्लेन तो उड़ चुकी है मुन्ना, है तो दोस्तों हमने एरोप्लेन को उड़ा दिया एकदम ढेंग चक करके, पर इसको बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल है यार, क्योंकि ये सबसे बड़ा एरोप्लेन है, बड़ा एरोप्लेन को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों यार। ओए बिल्कुल सही बोला। ओए तो दोस्तों इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है यार, इधर उधर उछल कूद ही करता रहता है। अच्छे से चलाना होगा इसको, इसको कंट्रोल में लेकर आएंगे। तो हम इधर अपने सीट में भी आ चुके हैं एरोप्लेन लेकर, है सब कुछ हैरान, सब लोग हैरान हो गए होंगे इस एरोप्लेन को देखकर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है यार। अरे यार हमारा राइट साइड का वो विंग उधर बिल्डिंग में क्रैश हो गया, तो थोड़ा सा आग वाग लगी है यार दोस्तों, हेल्थ भी थोड़ा सा कम हो चुकी है एरोप्लेन को, यानी कि हमें अब ज़्यादा ठोकना नहीं है भैया। ओए तो एकदम ढींचा करके चलाते, ओए पहले देखते हैं हमारे घर किधर है मुन्ना। है भैया तो देखते हैं घर, सबसे पहले हम जैक की घर ढूंढते हैं एकदम ढींचा करके, उसके बाद ऋषि की घर भी देखेंगे ना भैया। ओए तो एकदम ढींचा करके, अभी तो ये प्लेन को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल है, यानी कि ये सबसे बड़ा प्लेन है ना, इसीलिए इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों। अरे यार भैया ये नई अपडेट में तो काफ़ी कुछ नया नया आया है, पर इसको कंट्रोल करना कसम से बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि ये सबसे बड़ा वाला एरोप्लेन है, इससे बड़ा एरोप्लेन कुछ है या फिर नहीं है दूर ठेर भर में, मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना यार। ओए तो पंटर इधर देखो, इतने सारे सिटी में हम आ चुके हैं, अब इसको लैंडिंग कराते हैं ना मुन्ना, अब लैंडिंग करना होगा सेफली। है भैया तो अब हमें इसको लैंडिंग सेफली करना होगा, ताकि हम भी आराम से बाहर निकल सके यार भैया। ओए तो अब हम लैंडिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हम परफेक्ट हो जाए एरोप्लेन चलाने में। है तो अच्छे से लैंडिंग करवाएंगे, पहले उधर एयरपोर्ट की जगह पे जाएंगे यार, हमारे राइट वाले विंग में अभी भी आग लगी हुई है यार, एकदम ढेंग चक करके, पर कोई बात नहीं एकदम ढेंग चक करके चलाएंगे। ओए तो मुन्ना हम आ चुके एयरपोर्ट के नज़दीक, ओए अब लैंड करवा दे क्या। है भैया पर वो लैंड करने वाला वो जगह होता है ना पीच करके रोड यार, वो तो नहीं दिख रहा है ना भैया।
और उसकी तो बातें छोड़, अब इधर ही लैंड करना होगा, उधर तक तो हम नहीं पहुँच पाएंगे मुन्ना, हम अभी भी कच्ची खिलाड़ी है ना। हे भैया तो ठीक है, इधर ही लैंड करवाते हैं यार, एकदम ढेंग चेक करके, उधर तक तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। हे ये तो लैंडिंग नहीं, क्रैश लैंडिंग हो गया भैया। तो दोस्तों ऊपर देखिए, ऐसे क्रैश लैंडिंग हो गया ना, देखो प्लेन अभी भी सही सलामत लग रहा है, पर पूरा प्लेन का इंजन खराब हो चुका है दोस्तों। ओए तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर हम जा पाएंगे या फिर नहीं। अरे यार इसके अंदर तो हम जा भी नहीं पा रहे। अरे यार भैया प्लेन तो पूरा, प्लेन पूरा क्रैश हो चुका है, तो कैसे अंदर जाएंगे? बाहर से तो ठीक ठाक दिख रहा है, पर अंदर से पूरा इंजन जला पड़ा है यार इसका। है दोस्तों तो एकदम ढेंग चेक करके आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम फिर से नया नया अपडेट देखेंगे, नया कुछ नया आया है तो आप भी कमेंट कीजिए यार, वही को हम एक्सप्लोर करेंगे, आप भी कमेंट कीजिए, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।